परसेंट नौजवान साथी हमारे ऊपर गर्म हो जाते हैं एकाधिक बार। कोई बात नहीं, उनका अधिकार है, हमारे ही भाई है वो। आज से 4-5 साल पहले जब हम भी उनकी 24-25 साल की उम्र में थे, जब हम भी कई बार गर्म हो जाया करते, उम्र है ये, कई बार वो गर्म हो जाते हैं, बोले यार ये नेताओं के पैर तो वजन नहीं उठा पा रहे, कहते ना सही तो पंजाबी में कहते, बोले नेताओं के पैर वजन नहीं उठा पा रहे। देखो एक साधारण सी बात है, हम MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए जमीन बचानी है भाई? अगली पीढ़ियों के लिए तो जमीन बचानी होगी ना। MSP कानून किसके लिए बनवाना है? अगली पीढ़ी और पूरे देश के लोगों के लिए तो बनवाना होगा ना भाई। जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की तो किसी की 20 साल की उम्र रहेगी, किसी की 15 साल की रहेगी, किसी की 10 साल की रहेगी, जो आज 70-80 साल का हो लिया, लड़ाई तो अगले भविष्य को बचाने की चल रही है ना। अगर इसे जालिम सरकार के हाथों हमने अपने नौजवान ही मरवा लिए, नौजवान ही नहीं रहे, तो उस जमीन का क्या करना है भाई? फिर जिसके लिए जमीन बचा रहे हैं वो जमीन वो ही नहीं रहे, तो उस जमीन का करना क्या है भाई? जिसके लिए MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं वो ही नहीं रहे, तो फिर MSP का करना क्या है? इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, सारे लोग सतर्क और सावधान नजर रखो। कोई आदमी अगर गलत तरह का पुलिस की तरफ से या और कोई आता है, उनके ऊपर नजर रखो। अगर कोई साथी ऐसा पकड़ा भी जावे, उसके साथ कुछ नहीं करना। जो आपके कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हो, ब्लॉक प्रधान हो, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रधान हो, उनके पास आराम से जाके बैठा दो, छेड़खानी या किसी के साथ कोई भी बदतमीजी आपने नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात, कल यहाँ पे शंभू बॉर्डर से भी सारा नेतृत्व यहाँ आया हुआ था, आपको पता ही चल गया होगा कि अभी भाई हमारे सुखतरण सिंह का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो अपनी मांग है कि भाई दोषी जो अधिकारी हरियाणा वाले, उनके ऊपर जब तक FIR दर्ज नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार या पोस्टमार्टम नहीं होगा। भाई जहां तक बात रही, सरकार ने 1 करोड़ का मुआवजा घोषणा कर दी और एक नौकरी घोषणा कर दी, वो तो हमारे समाज में, हमारे भाईचारे में इतना दम है, अगर अकेला पंजाब हरियाणा वालों को कहें तो मुझे लगता है कि 24 घंटे भी नहीं लगेंगे समाज 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे सके। सवाल पैसा नहीं है, सवाल है इंसाफ। अगर 1,000 करोड़ रुपए भी इकट्ठा कर ले तो भी वो नौजवान वापस नहीं ला जा सकता, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हम जो दो बहनों का इकलौता भाई था, तो मसला ये है, मुद्दा ये है, जब तक FIR दर्ज नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं होगा। और उसके परिवार ने, भाई के परिवार ने इस बात पर सहमति दी है कि ये समाज के लिए इसने कुर्बानी दी है, तो जत्थेबंदी समाज और उनका गाँव हिसाब से जो निर्णय लेगा उसके साथ उनका परिवार है। आप भी सब जानते हो, ऐसी घड़ी में जब कोई नौजवान बच्चा किसी का देहांत हो जाए, कोई शहीद हो जाए, उस समय एक एक पल उसके पार्थिव शरीर के पास बैठना उस परिवार के लिए कितना कष्टकारी हो रखा होगा, कितना दुख भरा हो रखा होगा, उसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं अपने। और दोनों मोर्चों के नेता कल यहाँ मौजूद थे, खरौली बॉर्डर पर रात को 10-11 बजे तक मीटिंग थी। सबने ये बात कही कि भाई कोई भी आगामी बड़ा कार्यक्रम देने के लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमारे घर में जो हमारे परिवार का हिस्सा जिसने कुर्बानी दी है, अभी तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। उससे पहले हमको एक कार्यक्रम दें तो वो सामाजिक तौर पे और नैतिक तौर पे ठीक भी नहीं लगता। पहले उसके परिवार को संभालना पहला दायित्व वो बनता है। तो उन्होंने जो बात कही है, जो कार्यक्रम कल तय करे गए हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी नहीं मिल पाती होगी। तो सबने कहा कि साथियों को बता के, और आपकी ड्यूटी बनती है कि अपनी ट्रॉली में जाकर, अपने ब्लॉक में जाकर सारों को ये बात बताएं। देखो जो अपनी असली लड़ाई है, चाहे वो MSP का मुद्दा हो, चाहे अपनी फसलों के भाव बढ़वाने का मुद्दा हो, वो असली लड़ाई की जड़ है WTO। जब तक भारत का खेती सेक्टर WTO से बाहर नहीं आएगा, चाहे कोई सरकार में आ जाए, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, अगर इनको भी प्रधानमंत्री बना दें, तो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर WTO से बाहर आए बिना ये भी तमाम फसलों पे MSP गारंटी कानून नहीं बना सकते।
तो लड़ाई की जो जड़ है वो WTO उसकी मांग को लेकर इस आंदोलन में प्रमुखता से चल रहे हैं। तो 26 तारीख को जो 26 तारीख आ रही है पूरी दुनिया के देशों की WTO की बैठक है, UAE में बैठक हो रही है वो। तो तमाम किसान नेताओं ने कल ये तय किया कि 26 तारीख से पहले, कल जो 25 तारीख है, 25 तारीख को अपने दोनों मोर्चों के ऊपर WTO क्या है, WTO किस तरीके से किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्यों WTO से भारत को बाहर आना, भारत के खेती सेक्टर को बाहर आना जरूरी है, इसको लेकर हरियाणा पंजाब के बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी बुलाए हैं। जब तक एक एक बुजुर्ग को फिर भी जानते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो हमारे हैं इन्होंने WTO का 90 के दशक में गैट समझौते का विरोध भी किया, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे होंगे जो यूनियनों के साथ गए होंगे, मुंबई का भी सम्मेलन हुआ WTO का विरोध करने का, लेकिन नौजवानों को इन बातों का नहीं पता, और जब तक सही बात का पता नहीं होगा तब तक लड़ाई मजबूती से लड़ी नहीं जा सकती। तो जहां पे अभी एक टेम्परेरी स्टेज का साउंड की सारी व्यवस्था करने के लिए साथी पीछे गए हुए हैं बठिंडा में बरनाला से, वहां से सामान लेकर आ रहे हैं, कल 11 बजे से वो सम्मेलन जब शुरू होगा, आपको सारे साथियों को, खासकर नौजवान साथियों को, छोटी छोटी डायरी और पेन लेकर जरूर पहुंचना है, पंजाबी में, हिंदी में, दोनों भाषाओं में, वो तरीक बारीकी से चीजें समझाई जाऊंगी। और नौजवान, कल डल्लेवाल साहब भी यहीं पे खड़े थे, आपने सुना होगा, आप में से बहुत सारे मौजूद हो, उन्होंने क्या कही थी बात, तो भाई हमारा तो पता नहीं है कितने दिन की जिंदगी रह रही है, हमारा तो ध्यान ये है कि नए नौजवानों को नेतृत्व के लिए तैयार करके जावे। सुबह क्या था, सुबह नौजवान नेतृत्व से भी ये नहीं होता कि भाषण दे दिया वही नेता हो गया, नेतृत्व वो होता है, नेता वही होता है, नेतृत्व वही कर सकता है जो सरकार की एक एक चालबाजियों को समझे, नीतियों को समझे और अपने लोगों को समझाए उनके बारे में, वो नेतृत्व होता है। खाली भाषण देने से, मैं यहाँ पे 5 मिनट खड़ा होकर भाषण देगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जब तक एक एक नीति नहीं समझेंगे, पॉलिसी नहीं समझेंगे, तब तक लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ पाओगे। तो मेरी नौजवानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जहाँ भी वो थोड़ी लाइट की व्यवस्था देख कर, जहाँ भी वो आस पास की जो यहाँ पे 2-3 दिन के लिए जो स्टेज लगेगी, सारे साथियों को 11 बजे वहाँ पे, खासकर नौजवानों को, पहुँचना बुजुर्गों को भी है लेकिन नौजवानों को अपनी डायरी पेन लेकर जरूर पहुँचना।